अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम अल्फाबेट जी से रिलेटेड जो पीएसएस के जार्गन्स हैं उन पर नजर डालेंगे और उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं ए से लेकर एफ तक आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में पीएसएस ग्लॉसरी की प्लेलिस्ट मौजूद है, उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग ए से लेकर एफ तक और अभी जो जी वीडियो आप देख रहे हैं आपको तमाम वीडियोज मिल जाएंगे। एंड आई होप ये वीडियोज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हैं, एजुकेशनल वीडियोज हैं, ताकि मैं बेसिक्स आप लोगों को पहले समझा सकूं, ताकि इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कहीं भी आप इस स्टेटमेंट को या इस टर्मिनोलॉजी को कहीं भी आप सुने, आप फौरन से समझ जाएं कि इसके पीछे की बैकग्राउंड वर्किंग क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन को बताने का, समझाने का मेन मकसद ये है, ताकि आप डायरेक्टली जब भी टर्मिनोलॉजी कहीं सुने या लिखी भी देखें तो आप फौरन के पीछे का सिनेरियो को समझ जाएं और उसी हिसाब से फिर अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो लेट्स मूव ऑन टू द लैपटॉप स्क्रीन, और स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं जी से रिलेटेड पीएसएस में बहुत कम इस वक्त यहाँ पे ग्लॉसरी के अंदर इन्होंने टर्मिनोलॉजीज मेंशन की हुई हैं। चले आइए इनका जायजा लेते हैं। जीईएम बोर्ड, बहुत सारे इसको जेम बोर्ड भी बोलेंगे। जीईएम बोर्ड बेसिकली क्या होता है? लेट सपोज मैं आपको एक सिनेरियो डिफाइन करूँ कि हमारे स्टॉक मार्केट में एक ऐसी कैटेगरी बना दी गई है, एक ऐसा डिपार्टमेंट बना दिया गया स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का, कि उन कंपनीज उस बोर्ड के अंदर, एक हमारा नॉर्मल पीएसएक्स का जो बोर्ड है जिसके अंदर तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज अपने आप को लिस्ट कराती हैं, जीईएम बोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि इनेबल करता है या फैसिलिटेट करता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम एसएमईज कहते हैं। अब एसएमईज बेसिकली क्या होते हैं? वो कंपनीज होती हैं, अभी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, या उनको आप समझे कि एक साल, डेढ़ साल, पाँच साल हुए होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वो काम नहीं करते, लेकिन अपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट को, अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना चाहती हैं, कंसिडरिंग कि उनका आगे 5 से 10 साल का जो प्लान है वो इतना अच्छा है कि इन्वेस्टर्स अभी, चूंकि वो छोटी कंपनीज हैं, पीएसएक्स में अपने आप को लिस्ट कराती हैं, अपने कुछ शेयर्स मार्केट में उतारती हैं, और जीईएम बोर्ड में इन ऐसे स्मॉल स्टार्टअप कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज के लिए सबसे अच्छी बात जो होती है पीएसएक्स में वो ये होती है कि इनको अपने आप को लिस्ट कराने के ऊपर हैवी टैक्सेशन फीसेस नहीं देनी पड़ती। और अगर हम पीएसएक्स के नॉर्मल रेगुलर बोर्ड में अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट करवा रहे हैं तो उसमें एक हायर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट फीसेस वगैरह और एक सर्टेन बजट लेके आपके आपको अपने आप को आना पड़ता है, अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है, और अपनी अपनी कंपनी की ओनरशिप का तकरीबन 10% अबव जो ओनरशिप है वो मार्केट में उतारनी पड़ती है, ताकि शेयर को ट्रेड में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स खरीदो फरोख कर सकें। तो जेम बोर्ड ऐसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज के लिए एक सेपरेट बोर्ड, एक सेपरेट कैटेगरी बना दी गई है। अगर आपकी कंपनी छोटी है लेकिन आप फ्यूचर गोल्स अच्छे हैं और आप समझते हैं कि आप इनिशिएटिव अच्छा लेने के बाद उस स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा फंड को कलेक्ट ओवर द पीरियड कलेक्ट करने के बाद अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे और ग्रोथ बढ़ेगी, तो फिर आप जेम बोर्ड में अपने आप को लिस्ट करवा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें, गारंटीड स्टॉक बेसिकली क्या होता है? गारंटीड स्टॉक हैज टू मीनिंग, इसके दो मतलब होते हैं, वन अप्लाइड टू डिविडेंड्स एंड वन अप्लाइड टू इन्वेंट्री। किसी भी कंपनी के बेसिकली वो गारंटीड स्टॉक जिससे कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूसली देती है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो वो अपनी इन्वेंट्री के लिए अपने अपने पास अपनी ओनरशिप के अंदर रखती है। द मोर कॉमन रेफरेंस इज टू एन इनफ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ कॉमन और प्रिफर्ड स्टॉक, जो कॉमन और प्रिफर्ड स्टॉक मार्केट में उतारे गए होते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कंपनी अपने पास रखती है, कुछ प्रिफर्ड स्टॉक होते हैं जो कंपनी में उतारे गए होते हैं लेकिन उनको ट्रेडिंग के लिए कन्वर्ट नहीं किया जाता, ताकि आगे जाके अगर जरूरत पड़े कि मार्केट में मजीद शेयर्स उतारने हैं तो फिर वो प्रिफर्ड स्टॉक्स जो मार्केट में उन्होंने ट्रेडिंग करने से पहले रोक के रखे हुए हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जा सके, जिसमें वो कंपनी एज अ डिविडेंड की सूरत में या बोनस शेयर्स की सूरत में फिर मार्केट में वो उतार दिए। सो दिस इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गारंटीड स्टॉक। इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन की बात कर लें और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ दो वर्ड्स हैं तकरीबन सिमिलर, इनके जो है वो मीनिंग्स है, विच मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन इज अ मैट्रिक एनालिस्ट यूज टू असेस अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। अब मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूँ। लेट सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयरलिंक, हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में एक कंपनी है एयरलिंक, जो पाकिस्तान में पीटी अप्रूव सेट एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट वगैरह भी करती है, बेसिकली मार्केटर है बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। एयरलिंक के अगर हम फाइनेंशियल्स का जायजा ले लें और हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का जायजा लें, तो अनाउंसमेंट्स के अंदर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर मैं इसका पीडीएफ खोलूं तो पीडीएफ खोलने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन क्या होते हैं, मैं उसकी आपको कैलकुलेशन हाईलाइट कर रहा हूं। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स में आते हैं नीचे, और आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास रेवेन्यूज हैं, जो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से रेवेन्यू कमाया,
और कॉस्ट ऑफ सेल्स विच मीन्स कि अपने जो प्रोडक्ट बेचा उसकी जो कॉस्ट आई, इन दो के इन दो सिनेरियोज में जो भी पैसा उसने इकट्ठा किया, एक तो रेवेन्यू कमाया और फिर एक एक्सपेंस भी किया अपने उस आइटम को बेचने के लिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करी, उसके अगेंस्ट जो भी कैश बच रहा है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। विच मीन्स अगर कंपनी ने रेवेन्यू ज़्यादा कमाया और उसके अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे कॉस्ट अगर कम आई, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट होगा, विच मीन्स कंपनी कुछ एक्स्ट्रा कैश अपने पास एज अ प्रॉफिट कमा रही है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है जिसके अंदर से टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कंपनी के जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस नहीं करते, उनको माइनस किए बगैर अगर हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, वो ग्रॉस प्रॉफिट और परसेंटेज टर्म में बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास वो जो है वो कैलकुलेशन निकल कर आती है। इसके अलावा बात करें गुड विल कैंसिल, बहुत सारी ब्रोकरेजेस ने अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में एक ऑप्शन, जैसे कि स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि गुड विल कैंसिल का एक ऑप्शन निकाला, विच मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे सवाल भी ऐसे आते हैं, मेरे कम्युनिटी मेंबर्स भी सवाल करते हैं, मैंने आज तक ये अपना जो ऑर्डर है वो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गुड विल कैंसिल का मतलब ये होता है अगर आपने कोई ऑर्डर एज एन इन्वेस्टर लगाना है, अगर आप कोई स्टॉक बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो वो तब तक एक्टिव रहता है, रिमेन एक्टिव अंटिल आइदर द ऑर्डर इज फिल्ड और द इन्वेस्टर कैंसिल इट, या तो वो ऑर्डर फेल हो जाएगा, जब तक वो ऑर्डर फेल नहीं होता वो ऑर्डर क्यों रहेगा। अब इट ऑल डिपेंड्स कि ये देखना लाजमी कि हमारी यहाँ जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो 3:30 बजे अमूमन मंडे से थर्सडे बंद जाती है, फ्राइडे वाले दिन 4:30 बजे बंद होती है क्योंकि बीच में फ्राइडे पीरियड्स का गैप होता है। तो गुड टिल कैंसिल का जो ऑर्डर होता है वो तकरीबन 90 डेज तक या 30 डेज तक वैलिड रहता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ब्रोकेज क्या टाइम फ्रेम आपको अलाउ कर रही है। गुड टिल कैंसिल अगेन एक ऐसा ऑर्डर है, दोबारा मैं उसको रिवाइज करता चलूं, आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है किसी भी शेयर्स के अंदर, तो वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो ऑर्डर या तो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या आप उसको खुद कैंसिल नहीं कर देते, उसका टाइम पीरियड 30, 60, 90 डेज डिपेंडिंग ब्रोकेज के पास क्या टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हम बार बार जो है वो रोजाना बेसिस पे ऑर्डर लगाते हैं, अगर आप कोई शेयर आपने बाय करना है अपनी किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पे, तो गुड टिल कैंसिल, गुड टिल लिमिट की जो भी ऑप्शन आपके ब्रोकरेज के ट्रेडिंग अकाउंट के उसमें आ रहा है, ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है बाइंग या सेलिंग ऑर्डर के एरियो में, आप वो लगा के छोड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रोथ स्टॉक की अगर हम बात कर लें, ग्रोथ स्टॉक इज एनी शेयर इन अ कंपनी दैट इज एंटीसिपेटेड टू ग्रो एट अ रेट सिग्निफिकेंटली अबव द एवरेज ग्रोथ और दी मार्केट, मार्केट से हट कर कोई ऐसे स्टॉक या ऐसी कंपनी जो कि अपनी ग्रोथ एक अलग लेवल पे ले जाके, एक पॉजिटिव या हो सकता है कि नेगेटिव ग्रोथ भी हो कंपनी की, उसकी एंटिसिपेशन करना, उसकी एनालिसिस करना और उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करना, उन कंपनीज को फाइंड आउट करना और जो है हमारे पास ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में आता है। दीज स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स जनरली डू नॉट पे डिविडेंड, ये वो कंपनीज होती हैं जो एक्स्ट्रा कैश अगर कोई कमाती हैं तो उसे डिविडेंड नहीं देती, बिकॉज वो अपने ही कंपनी के अंदर उस एक्स्ट्रा कैश को री इन्वेस्ट करती हैं ताकि अपने फाइनेंशियल हालात, अपने एसेट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रो कर सकें। ऐसी कंपनीज को अगर आप सर्च करना चाहें तो आप गूगल पे जाएं, टाइप PSX ग्रोथ स्टॉक्स, जब आप इसको टाइप करेंगे PSX ग्रोथ स्टॉक तो आपके सामने सबसे पहली लिंक आ जाएगी, और भी लिंक्स है आप क्लिक कर सकते हैं, सबसे फर्स्ट लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे विल कम अक्रॉस एट अ वेबसाइट SCS Trade, जिसकी इंशाल्लाह मैं डिटेल एनालिसिस की जो एडिटिंग है वो सब चल रही है और इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल जो है वो आपको जो गाइडलाइन है जो गो थ्रू है वो आपको मिल जाएगा। बेसिकली एक ब्रोकरेज फर्म भी है स्टैंडर्ड कैपिटल के नाम से, इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये वो कंपनीज हैं जो अपने कैश पे ज़्यादा अर्निंग करती हैं या कम अर्निंग करती है, सारी चीज़ें डेटा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो अपना कैश अपनी कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपने फ्यूचर हालात बेहतर बना सकें। तो दिस कंक्लूड्स आर वीडियो ऑफ अल्फाबेट जी और जी से रिलेटेड जितने PSC के जार्गन्स हैं उनकी यहाँ पे एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस एज वेल। आप इस चैनल पे नए हैं, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, सो डू लाइक एंड शेयर वीडियो फेलो इन्वेस्टर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट अल्फाबेट H के साथ। द नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।